नमस्कार, वीकेब न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ी 110,000 की एमडी ड्रग्स का पाउडर। हेलमेट कार्रवाई के दौरान पकड़ा गया एमडी तस्कर। अनैसर्गिक दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की जेल। 2020 का मामला, नाबालिग बालक पर किया था अत्याचार। नागपुर जिले में बढ़ रही मवेशियों की तस्करी। 2 जगह कार्रवाई में 50 मवेशियों को छुड़ाया गया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर ट्रैफिक पुलिस ने एक वाहन की तलाशी लेते हुए एमडी ड्रग्स तस्कर को अपने हिरासत में लिया है। आरोपी बिना हेलमेट वाहन चला रहे एक युवा को ट्रैफिक पुलिस ने रोका, जहां पूछताछ के उसकी गाड़ी की तलाशी ली गई। इसमें गाड़ी की डिक्की से 110,000 रुपए का एमडी पाउडर पुलिस ने बरामद किया। ट्रैफिक पुलिस विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक कार्रवाई गुरुवार दोपहर की बताई जा रही है, जबकि गुरुवार की दोपहर कृपलानी चौक पर बिना हेलमेट वालों के खिलाफ मुहिम चलाई गई थी। यातायात विभाग के बर्डी जोन के सिपाही प्रफुल्ल बंदेरे व विशाल हेटे ड्यूटी पर तैनात थे। कृपलानी चौक पर करीब 23 वर्ष का एक युवक अजनी रोड पर दोपहिया वाहन पर सवार था। पुलिस ने हेलमेट नहीं पहनने पर उसे रोका। पूछताछ करने पर पुलिस को उसकी हरकत पर शक हुआ। चौंकाने वाली घटना तब सामने आई जब पुलिस सिपाही राहुल टपरे, सुनील अतकरी और शिवहरी घुगे ने उसके वाहन की डिक्की की तलाशी ली। एक नीले बैग में एक छोटा सा पाउच मिला, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वजन और सफेद पाउडर था। इसमें छोटी पाउच, चम्मच और पैकिंग के लिए छोटा लॉक पाउच भी मिला। फौरन धंधौली पुलिस को उसकी सूचना दी गई। पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए उसे धंधौली थाने ले आई। वहीं शिकायत पर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। एमडी की कीमत 110,000 रुपए बताई जा रही है। जिला व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एसआर त्रिवेदी की कोर्ट में नाबालिग बालक के साथ अनैसर्गिक दुष्कर्म करने वालों को 3 धाराओं में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई। दोषी का नाम आशुतोष उर्फ मोगली विजय राउत बताया गया। मामला 30 जून 2020 को प्रताप नगर थाने में दर्ज किया गया था। कोर्ट ने आशुतोष को धारा 377 के तहत 10 वर्ष की जेल और 2,000 रुपए जुर्माने की सजा दी। वहीं पॉक्सो एक्ट के तहत धारा 4 में दोषी करार देते हुए इतनी ही सजा सुनाई। जानकारी के अनुसार आशुतोष और पीड़ित बालक एक ही बस्ती में आसपास रहते हैं। 30 जून को सुबह करीब 6:30 बजे आशुतोष ने खेल रहे बालक को फोटो खिंचवाने के बहाने घर की छत पर ले गया और वहां बने कमरे में जबरन उसके साथ अनैसर्गिक दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की। दुष्कर्म के बाद आरोपी ने किसी को न बताने के लिए जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के वक्त पीड़ित बालक नाबालिग था। पीड़ित की शिकायत पर प्रताप नगर थाने में मामला दर्ज कर पुलिस ने 1 जुलाई को आरोपी आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया था। करीब 1.5 वर्ष की सुनवाई के बाद पुलिस द्वारा प्रस्तुत गवाहों और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आशुतोष को दोषी माना। पुलिस की ओर से जांच अधिकारी एसजे केंद्र ने चार्जशीट फाइल की, जबकि एएसआई विजय राउत ने कामकाज देखा। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सोनाली राउत, जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता खरे ने पैरवी की। ग्रामीण में इन दिनों गोवंश प्रजाति के मवेशियों की तस्करी का प्रमाण काफी बढ़ गया है। पुलिस भी रोजाना कार्रवाई कर आरोपियों को हिरासत में लेकर मवेशियों को छुड़वा रही है। इसी क्रम में जिले के मौदा और बोरी पुलिस थाना अंतर्गत 2 जगह पर कार्रवाई कर पुलिस ने 50 मवेशियों को रिहा कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके पास से वाहन सहित कुल 16 लाख का माल भी जब्त किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पहली कार्रवाई में बोरी पुलिस को पेट्रोलिंग के दौरान गुप्त जानकारी मिली कि कुछ लोग ट्रक में गोवंश प्रजाति के मवेशियों की तस्करी कर रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने बोरी के वाई पॉइंट पर नाकाबंदी कर ट्रक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस को देखकर चालक ने ट्रक बोरखेड़ी की ओर ले जाने लगा। पुलिस ने उसका पीछा कर ट्रक को पकड़ा और उसकी तलाशी ली। पुलिस को ट्रे में 24 बैल रस्सी से बांधे नजर आए।
इन बैलों की कीमत करीब 2,40,000 बताई जा रही है। इनमें से एक बैल की मौत हो चुकी थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी शेख मोहसिन मोबीन कुरेशी टेकानाका नागपुर, मोहम्मद रफीक खान अब्दुल रशीद खान उर्फ सद्दाम शेख भाजी मंडी कामठी और फिरोज नामक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस कार्रवाई में वाहन सहित कुल 7,40,000 का माल जब्त किया। दूसरी कार्रवाई में मौदा पुलिस ने रबीड़ी वाला पॉइंट पर आयशर ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली। तलाशी में पुलिस को कुल 26 गौवंश प्रजाति के जानवर बड़ी क्रूरता से बांधे नजर आए। इन जानवरों की कीमत करीब 2,60,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने सभी जानवरों को समीप के गौशाला में छोड़कर ट्रक समेत कुल 8,60,000 का माल जब्त कर लिया। इस कार्रवाई में मौदा पुलिस ने आरोपी उमेश चेतराम देवड़ा यशोधरा नगर नागपुर निवासी को गिरफ्तार कर लिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन बने रहिए आप हमारे साथ। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। गुरुवार की सुबह गश्त कर रही टीम को चंद्रपुर जिले के सिंधेवाही वन परिक्षेत्र के उपक्षेत्र सिंधेवाही नियत क्षेत्र डोंगरगांव के चार गांव बड़गे में एक मरा हुआ तेंदुआ मिला। कर्मचारियों ने घटना की सूचना वरिष्ठों को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम की उपस्थिति में मृत तेंदुए का पंचनामा कर उसे जला दिया गया। बताया जाता है कि आपसी भिड़ंत में तेंदुए की मौत हुई। घटनास्थल पर ब्रह्मपुरी वन विभाग के उप वन संरक्षक दीपेश मल्होत्रा के मार्गदर्शन में व वन्य जीव के सहायक वन संरक्षक RM वाकड़े, ब्रह्मपुरी वन विभाग के मानद वन्य जीव रक्षक विवेक करम्बेकर, सिंधवाही के पशुधन विकास अधिकारी डॉ SS गवहारे, पंचायत समिति के पशुधन विकास अधिकारी डॉ विनोद सुरपाम ने मृत तेंदुए का निरीक्षण किया। तेंदुए के सभी अवयव सलामत पाए गए। तेंदुए और मौके का मुआयना करने पहुंचे पशु चिकित्सक और वन विभाग के अधिकारियों का अनुमान है कि उसकी मौत आपसी भिड़ंत में हुई है। अधिकारियों के सामने मध्यवर्ती काष्ठ भंडार में गुरुवार को दोपहर करीब 1:15 पर डॉक्टर SS गवहारे, डॉक्टर विनोद सुरपाम ने तेंदुए का शव विच्छेदन कर विसेरा जांच के लिए भेज दिया। सभी वन अधिकारियों की उपस्थिति में तेंदुए को जलाया गया। नागपुर शहर पुलिस बल में केवल 16% महिला कर्मचारी है। बल को स्वीकृत पदों में से 3,000 पुलिस कर्मियों की जरूरत है। जैसे जैसे महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के अपराध दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, महिला पुलिस की भर्ती करना आवश्यक हो गया है। हालांकि नागपुर पुलिस आयुक्तालय में 8,500 की संख्या में केवल 1,520 महिला पुलिस कर्मी है। उपराजधानी की सीमाएं और आबादी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और कानून व्यवस्था का सवाल सामने आ रहा है। इसीलिए पुलिस बल में रिक्त पदों के बैकलॉग को भरना आवश्यक हो गया है। नागपुर शहर पुलिस बल में स्वीकृत 8,885 पुलिस कर्मियों की संख्या है, लेकिन वर्तमान में 7,778 कार्यरत हैं। जनसंख्या की दृष्टि से नागपुर पुलिस बल में 5,000 कर्मियों की कमी है। इनमें भी महिला पुलिस कर्मियों का प्रतिशत पुरुष पुलिस कर्मियों के मुकाबले काफी कम है। निकट भविष्य में शहर पुलिस बल में लगभग 3,000 महिला पुलिस कर्मियों को शामिल करने की आवश्यकता है। महिलाओं पर अत्याचार के मामलों की संख्या तो बढ़ती ही जा रही है, वहीं पुलिस महकमे में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ने को तैयार नहीं है, जहां विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ रहा है। वहीं चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि राज्य में केवल 14% पुलिस कर्मी महिलाएं हैं। ग्रामीण भाग की जनता को 12 महीने नल द्वारा गुणवत्तापूर्ण
पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन यह महत्वाकांक्षी कार्यक्रम विभाग के 6123 गांव में चलाया जा रहा है। हर दिन प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी देने वाली इस योजना के लिए गांव निहाय प्रारूप तैयार कर मिशन मोड कार्यक्रम को अमल में लाने के निर्देश जलापूर्ति व स्वच्छता विभाग के प्रधान सचिव संजीव जायसवाल ने दिए। गुरुवार को विभागीय आयुक्त कार्यालय के सभागृह में आयोजित बैठक में जलापूर्ति और स्वच्छता विभाग के प्रधान सचिव संजीव जायसवाल ने जल जीवन मिशन तथा ग्रामीण स्वच्छ भारत अभियान की समीक्षा की। इस अवसर पर विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्मा, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा, जल जीवन पानी व स्वच्छता मिशन के संचालक ऋषिकेश यशोद, जलापूर्ति व स्वच्छता विभाग के सह सचिव अभय महाजन सहित तमाम आला अधिकारी उपस्थित थे। जलापूर्ति व स्वच्छता विभाग के प्रधान सचिव संजीव जायसवाल ने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल महत्वाकांक्षी कार्यक्रम केंद्र व राज्य शासन द्वारा चलाया जा रहा है। प्रत्येक घर में नल द्वारा 12 महीने पानी उपलब्ध कराने के लिए 90 दिनों का विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राज्य में 12 लाख घरों में नल द्वारा पानी देने का लक्ष्य पूरा करना है। जिलाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी को गांव निहाय सविस्तर प्रकल्प रिपोर्ट तैयार करते समय पीने के पानी के स्रोत निश्चित करने के साथ ही स्रोत बढ़ाने के लिए अन्य योजनाओं का समन्वय कर मिशन को सफल बनाने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 5 विषयों पर ध्यान केंद्रित है। विदर्भ में भूजल का स्तर समाधान कारक है, लेकिन जिन गांव में 8 महीने तक पानी आपूर्ति की जाती है उन गांव में अतिरिक्त पानी के स्रोत खोजने के लिए प्रारूप में परिस्थिति के अनुसार बदलाव करने के भी निर्देश दिए। राज्यभर में महावितरण द्वारा अनुसूचित जमाति वर्ग के नागरिकों को डॉक्टर बाबा साहेब जीवन प्रकाश योजना के तहत नए बिजली कनेक्शन देना शुरू है, जिसमें अब तक राज्यभर में 11,363 कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इनमें भी सर्वाधिक लाभ विदर्भ के नागरिकों को मिला है। विदर्भ के 4,000 परिवारों का घर रोशन हुआ है। राज्य में 14 अप्रैल से यह योजना चलाई गई थी। बीते 9 महीनों में इस योजना का लाभ 11,000 से अधिक परिवारों को मिल चुका है। महावितरण इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन के साथ लगने वाले जरूरी कागजात और अनामत रकम सिर्फ 500 रुपए जमा करना होता है। यह 500 रुपए भी 5 किस्तों में देने की सुविधा दी गई है। आवेदन मंजूर होने के 15 दिनों में कनेक्शन जोड़ दिया जाता है। आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निवासी प्रमाण पत्र जोड़ना अनिवार्य है। सुबह के प्राइम टाइम में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार है जारी।